काम में लगा। जी कृषि को लाभकारी धंधा बनाने की हर पार्टी जी, परंतु इसके अर्थतंत्र को समझते हुए भी इसे नकारती क्यों? एक ही बात है, हमारे देश की सरकारें ये कहती हैं कि कृषि अगर लाभकारी हो गई तो नेताओं की राजनीति डूब जाएगी। नेता ये कहते हैं कि राजनीति चलाने के लिए गरीबी रहनी ही चाहिए, भुखमरी होनी ही चाहिए, बेरोजगारी होनी। मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के कहता हूँ, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जो अब जीवित नहीं है, उनका नाम था चंद्रशेखर। एक बार मैंने उनसे ये बात की जो आपने मुझसे की कि कृषि को लाभकारी क्यों नहीं बना सकते, क्या मुश्किल है, आसान काम है। तो उन्होंने कहा आसान तो है, बनाना भी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ कानून में फेरबदल करने की जरूरत है। एक एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट है, उसको हटा दो, पूरी कृषि लाभकारी हो जाएगी, आराम से हो जाए। फिर मैंने कहा क्या मुश्किल है, उन्होंने कहा हमें मुश्किल एक ही है कि अगर ये लाभकारी मूल्य में आ गए सारे किसान तो इनकी गरीबी खत्म, ये गरीब नहीं रहेंगे तो हमको नहीं पूछेंगे, हमारी राजनीति नहीं चलेगी, हमको माला कौन डालेगा, हमारी जय जयकार कौन करेगा, हमारी जिंदाबाद कौन करेगा, ये तो नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमारे जैसे हो जाएंगे फिर। इसलिए हम चाहते हैं कि ये गरीब के गरीब ही रहें, इसलिए हम नहीं चाहते कि इनको लाभकारी मूल्य मिले। तो मैंने कहा ये आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी प्रधानमंत्री यही कहते हैं, बस अंतर इतना है कि मैं खुल के कह रहा हूँ, बाकी पर्दे के पीछे कहते हैं। तो कोई सरकार नहीं चाहती कि गरीबी भुखमरी बेकारी खत्म हो, क्योंकि उससे उनका आधार ही खत्म होता है, उनका तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना, गरीबी भुखमरी बेकारी वो खत्म नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो इसी व्यवस्था को चलाना चाहते। अब आपके ऊपर है कि आप इसको ताकत लगा के खत्म कर दें तो व्यवस्था आपके हिसाब से चलेगी, ये हमारे लिए है मुख्य बात समझने। बहुत आसान है, कृषि लाभकारी हो सकती है, आप सिर्फ इतना कर दो कि जैसे उद्योगपति अपने कोई भी उत्पाद का भाव तय करता है, वैसे किसान अपने हर उत्पाद का भाव खुद तय करेगा, बस बात खत्म हो गई। उसको जो लगता है गेहूं बेचेगा उस भाव में, उसको जो लगता है चावल बेचेगा उस भाव में। अगर जूता बनाने वाला मोची अपने जूते का भाव तय कर सकता है तो गेहूं पैदा करने वाला किसान क्यों नहीं कर सकता अपने गेहूं का भाव तय, अपने हिसाब से तय कर लेगा, जिसको खरीदना खरीदे, नहीं खरीदना ना खरीदे। जैसे जूता होता है, चप्पल होता है, टूथपेस्ट होता है, टूथब्रश होता है, इनके भाव सरकार तय करती है क्या? वो अपने भाव खुद तय करते हैं, किसान को भी छोड़ दो अपने भाव तय कर लेगा, तो उसमें सब चीजें जोड़ेगा वो, है जी। हाँ, तो आप ये जो क्रेता का किस्सा है ये विक्रेता का कर दो, जैसे पूरी इकोनॉमी में विक्रेता भाव फिक्स करता है, ऐसे ही किसान की इकोनॉमी में विक्रेता फिक्स करेगा, इतना ही करना है, पूरी कृषि लाभकारी हो जाएगी।